अपना एक्सपीरियंस कर रही हूँ बस का, वो भी वॉल्वो बस का। यहाँ से मैं जा रही हूँ सीधा चंडीगढ़, इसलिए मैं वॉल्वो में बैठी हूँ कि मैं कैब वगैरह मैंने करी हुई, मुझे लगा कि वॉल्वो में ही बैठ के चले जाना चाहिए, बस करनी चाहिए। एक्चुअली पहले प्लान था मेरा रायपुर जाने का, बट मेरा रायपुर का प्लान कैंसिल हो गया, सोचा मैं यहाँ से सीधा वॉल्वो में। अब बस यहाँ पे 43 ही जाएगी सीधा, तो बीच में मेरे को लगा जैसे वो वहाँ पे मुझे 40 हॉस्पिटल दिखा नहीं था, मतलब वहाँ पे लिखा होता होर्डिंग पे और मोहाली साइड पे, मेरे को समझ नहीं आया रास्ता, इसलिए फिर मैं उस साइड पे ना उतरी हुई सीधा ही चली जाती। उनको बता देते हैं, उनको लगा होगा कि इसने कहा था बस स्टैंड पर पहुँच के कॉल करती है, मैंने किया ही नहीं। चल मैं बताती हूँ सारे। हाँ और इस पर प्रॉब्लम क्या है बता दी मुझे। अच्छा नहीं था तब लास्ट अभी पानी वगैरह ठीक हो जाएगा। सही है यार, ठीक करवा लेना चाहिए, हमने करवाया नहीं था इतने टाइम से, जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना उसके बाद हमारे 2-3 बारी हमारा आरओ बीच में ख़राब हुआ, एक बार उस साइड हुआ था, एक बार फिर इधर हुआ था, इधर हमने एक बार ठीक भी करवाया था बट फिर लोकल फिल्टर लगा के चले गए थे इसमें। अब वापस अब हम इसको ठीक करवा रहे हैं, सेट हो जाएगा, रिपेयर भी करवाया था ना उसको। हमें तो उम्मीद ही ये होगी थी कि नया ही आरओ ले लेते हैं, बट ये फिर अब इसने पता नहीं आज इसके मन में क्या क्या घूमा तेरे मन में, और फिर वो पानी से ना ऐसे लग रहा था कि हमारा ना टम्मी फूला ही जा रहा है, मतलब ऐसे हो जाता था, पानी पी के थोड़ा थोड़ा भारी भारी सा लगने लग जाता था। अब ये भैया ने कहा कि पानी बिल्कुल पिला के दिखाएंगे कि कैसा हो जाएगा। तो भूल गई, कैसा रहा मन ही से बढ़िया हो रहे
खोल रहे हैं मुझे लगा इसने खोल लिया हो मैं तो डर गई थी देखना दोषी मत कर अभी रुक जा अभी मिलती हूँ मैं तुझसे 5 मिनट दे शांति से हाँ मनहीर खेली मुझसे बहुत दूर आएगा वो अरे आप आ जाओ वो इधर ही आएगा खुद से रॉन ये क्या हो अरे 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 मैं तो यही थी पूरा रोनी इतना मत कर भाई हाँ हाँ बस मोटू कितना बड़ा लग मेरे पास तो इतने दिन हुए क्यों मुझे हाँ अरे 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 वो आने वाले बढ़िया से मिलने जा रहे हैं क्या और कोई नहीं आया जोशी और कोई नहीं आया मैं ही तो गई थी घर से टेंशन को वेट कर रहा शायद टेंशन लग रही है इसको लग रहा है कि वो कोई और भी है नहीं है चल एक बार ना ठीक करा लेने दे मेरे को डोली चल हां तू जा मैं अभी जा रही हूं मैं बाद में बात करते हैं एक बार बात हो गया चल नो ये जो फिल्टर होता है ये खुल ही नहीं रहा क्योंकि इतने टाइम से बंद हो रखा था और हमने चाबी भी गुम कर दी है पता ही नहीं कहां इसकी चाबी अब इसको गर्म पानी डाल के खोलने के लिए ट्राई करेंगे कैसे खुलता है पी के देखा तूने पानी मैं कहाँ से पानी पी अभी मैंने देखा था ना चलो कोई नहीं अब तो बाद में निकलेगी खुल जाए अब तो भैया अभी भी नहीं खुला तो खुल जाए अब तो बहुत ज्यादा मेहनत एक डेढ़ साल से बंद है ना एक साल से तो पूरा बंद है ना ये खोलने के लिए ट्राई नहीं किया इसे अभी एक साल तो पूरा हो गया अभी कैसे खुलेगा साथ वालों से पूछ लेंगे तो हाँ वो उनको थोड़ा कुछ मारते हैं आगे साइड से तभी खोलते हैं प्रेशर से कुछ मार के ना कोई चीज मम्मी प्लास्टिक वगैरह पता है आपको चीज पड़ी अब ये खुल नहीं रहा यहाँ से आंटी और इसे पूछ ले प्लास मिलता है तो हाँ इनके पास हो सकता है और सामने भी पूछ लियो फिर दोनों साइड नीचे कहाँ जाएगा नीचे तो पता नहीं ना फिर इधर से ही पता कर ले मिल जाएगा हाँ पूछ ली जहाँ से भी मिल जाए ले लियो तो हमें हमारे घर पे तो प्लासी हमें मिली नहीं है तो मैं यहाँ पे साथ वाले घर से पूछने के लिए गई थी तो मुझे वहाँ पे भी कोई प्लासी और प्लास नहीं मिला तो भैया हम दोनों ट्राई कर रहे थे खोलने की भैया कहते कि आपसे तो नहीं खुलेगा कहते मैं नीचे जाके खुलवाता हूँ तो भैया नीचे गए हैं देखते हैं अगर वो फिल्टर खुल जाए तो जल्दी हो जाएगा नहीं तो बहुत देर लग रही है 3:30 बज चुकी है ना 3:30 बज चुकी है चलो देखते हैं अगर खुल जाएगा तो लग जाएगा जल्दी नहीं तो अगर नहीं खुला तो खुल गया थोड़ी थोड़ी मार के शायद खुल ही जाएगा खुल जाएगा अभी ये तो इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं कि नहीं खुले पता नहीं शायद आ गए भैया मुझे लगता है खुलवा के फाइनली इतने टाइम के बाद हमारा आरओ ठीक हो चुका है अब देखते हैं पानी सही से बन रहा है बस इसमें बन तो रहा है वैसे फिलहाल अच्छे से A few hours later हो गया तेरा आराम आराम हो गया मेरे तो थोड़े से ना सिर में दर्द होने लगी थी बहुत जोर की थोड़ा सर फटने लग गया था पता नहीं क्यों फटा था और अभी 2-3 दिन बाद जाके मतलब सर में दर्द हुई है ऐसी वाली कि एकदम से सर में और यहाँ पे 2-3 दिन बाद हाँ मतलब यहाँ पे ये अजीब से शेडो क्यों आ रही है किस चीज़ की रोशनी पड़ रही होगी ना लाइट पता नहीं कौन सी आ रही है अजीब से रोन के ऊपर और देख ले मेरे को पता भी लगा इतने दर्द में थी